ऑफिस है। हेलो नमस्ते, कैम छो, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो में प्रकट होने का मतलब यही था दैट आई हैव टू शेयर हाउ इज माई डोमिनार एक्सपीरियंस, डोमिनार कैसा चल रहा है, बिकॉज इट्स बीन सिक्स डेज परचेज करने से। आई हैड क्लॉक 350 किलोमीटर्स और ऑडोमीटर। तो हम लोग बात करेंगे आज द थिंग्स विच आई लाइक, द थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट डोमिनार। अभी इट्स टू अर्ली टू जज द थिंग्स डोंट लाइक और लाइक, बट बस ऐसे जनरल बस ओवरव्यू और इनिशियल एक्सपीरियंस विद द डोमिनार 400। द थिंग्स विच आई लाइक इज एग्जॉस्ट नोट, इट प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ साउंड। अनदर थिंग इज लो आर पी एम के अंदर उसका टॉर्क प्रोड्यूस होता है 3500 आर पी एम के आसपास। इट्स सो मैसिव बिकॉज आई हैव टू ऑल द वे डाउन शिफ्ट सी बी आर 250 इन फर्स्ट गियर टू क्लाइंब अ बम्प। इसके अंदर मैं सेकेंड गियर के अंदर भी बम्प को क्लाइंब कर सकता हूँ। इट्स वेरी गुड बिकॉज टॉर्क प्रोड्यूस वेरी अर्ली। उसका वो रैव लिमिटर 9000 दिया हुआ, 13000 दिया हुआ है मीटर, बट इट कैन गो अप टू 9000 ओनली। इट्स फाइन, वो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट इट गिव यू सो मच अमाउंट ऑफ टॉर्क, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अनदर थिंग, ब्रेक्स अभी रिस्पॉन्सिव है बट उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है बिकॉज ब्रेक्स पेड्स वगैरह नया है। परफॉर्मेंस के बारे में बस उतना बता पाऊंगा, इट प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क व्हेन इट रिक्वायर्ड। सो अभी तो इंजन रनिंग में है, ब्रेकिंग के अंदर है, सो आई कैन नॉट गो फर्दर 70 किलोमीटर पर आवर। सो इट्स फाइन, थोड़ा रनिंग पीरियड 1500-2000 हो, उसके बाद देखेंगे कितना तक एक्सीलरेशन कैसा है। तो अभी फिलहाल तो आई वॉज राइडिंग लाइक 3500-4000 के आसपास। पी बी आर 250R के साथ ये होता था सीन, इन सिक्स गियर फोर्थ एडम इट कैन रीच 65 किलोमीटर पर आवर। इन डोमिनार मैंने बस ऐसे चेक करने के लिए देखा तो इट कैन रीच 74-75 इन सिक्स गियर फोर्थ एडम। द गुड थिंग, अभी तो फिलहाल उतना अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा हुआ लाइक व्हेन आई परचेज सी बी आर 250R दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग टू गेट अ ब्रांड न्यू डोमिनार, बट अच्छा हुआ नहीं लिया। इन 2018 मॉडल देर इज ऑल ब्लैक इंजन, ऑल ब्लैक चेसी, ऑल ब्लैक स्विंग आर्म एंड गोल्डन अलॉयज, इट्स एक्सक्लूसिव फॉर 2018 मॉडल। सो मुझे वही जब से आई सॉ 2018 मॉडल, सो आई वॉज लाइक यही लेना है। सो फाइनली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप भी सोच रहे हो तो उतना जल्दी मत करिए, शांति से टाइम लो, जो भी होगा ग्रेजुअली होगा, गो विद द फ्लो, उतना एक्साइटेड मत हो जाइए, पेशेंस रखिए आप। अनदर थिंग इज अ कलर, रॉक मैट ब्लैक लुक सो स्टनिंग, लाइक सनलाइट के अंदर जो स्पार्कल्स रिफ्लेक्ट होता है, कभी आपको लगेगा एक ऐसा ग्रे कलर है, कभी लगेगा ब्लैक है, कभी ग्लॉसी लगेगा, तो कलर इज़ वेरी गुड। उसकी साइड पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों ने कि 3-coat चिप रेजिस्टेंट कलर, इट हैज़ एक्स रिंग चेन, बाकी सारे बाइक के अंदर ओ रिंग रहता था। तो काफ़ी सारे अच्छे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन उन लोगों ने किए हैं, दे हैड पुट ऑल टुगेदर इन दिस वन मशीन। सो बजाज इज मेकिंग वेरी गुड बाइक, KTM से चोरी किया है बट स्टिल वो अच्छी मैनर के अंदर चोरी करके प्रोड्यूस किया है। अदर थिंग्स आर लाइट्स आर सो गुड। बाकी सारी बाइक के अंदर क्या रहता है, आप अगर हेडलाइट ऑन करो, लो बीम रखो, ठीक है, हाई बीम करते हो तो हाई बीम रहता है सिर्फ, लो बीम बंद हो जाता है, पास करते हो तो सारी लाइट चालू होती है। इन डोमिनार देर इज रिवर्स केस, आप नॉर्मल चला रहे हो तो वो हाई बीम ऑन रहेगा, आप लाइट करते हो तो लो बीम रहेगा, पास करोगे तो सब चालू होगा और आप हाई बीम करोगे तो भी सब चालू होगा। इट हैज़, जब तक मुझे नॉलेज है तब तक देर आर 9 एलिमेंट्स ऑफ लाइट्स, लाइट्स आर सो गुड। रात का भी एक वीडियो बनाऊंगा, बट आज सैटरडे था, ऑफिस में कुछ काम नहीं था, सो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेता हूँ, हाउ वाज माय इनिशियल एक्सपीरियंस विद द डोमिनार 400। और कल तो हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं 80 किलोमीटर पड़ताल आनंद बरोड़ा के हाईवे पर, वो हाईवे बहुत अच्छा है, तो काफ़ी एक अच्छा एक लॉन्ग राइड के लिए एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, अभी 4-5 लोग तो रेडी हुए हैं, कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला चलाऊंगा, बट एक लॉन्ग राइड जैसा 70-80 किलोमीटर जैसा है बड़ताल आड़न जैसा हाईवे पर, तो वो भी कवर करूंगा और वो आई गेस संडे रात या मंडे को मैं अपलोड कर दूंगा। द थिंग्स विच आई डोंट लाइक इज विंड ब्लास्ट लगता है जैसा आई क्रॉस 65-62 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है, और मेरे लिए माइट भी नहीं, नया मशीन है, नया हैंडल है, दैट्स व्हाई आई फेल्ट, पता नहीं। तो उसके बारे में जो आई फेल्ट, जो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ऐसा शेकी लगता है मुझे, पता नहीं क्योंकि नया मशीन सी बी आर 250R के अंदर आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, बहुत मस्त कॉन्फिडेंस रहता था, बिकॉज पता नहीं वो बाइक भी हाइट में भी कम थी, हैंडल भी ऐसा था, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, माइट बी इट टेक सम टाइम, थोड़ा ग्रिप आने दो, सो देखते हैं।
द अनदर थिंग इज वेट, वेट बहुत ज़्यादा है. वैन आई वॉज लाइक टर्न ले रहा हूँ तो आई कैन फेल्ट द वेट. पता नहीं नया मशीन है माइट भी उसके लिए, अभी कुछ जज नहीं कर सकते, बस ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको. तो मैंने ओन किया 200 NS 4.5 साल के आसपास, जो मेरे ऑफिस कलीग को ही मैंने भेजा है. तो 4.5 साल मैंने यूज़ किया, आई फेल्ट सेम बट अपग्रेडेड. 200 NS जिम जाके वापस आया, ऐसा है परफॉर्मेंस. इट्स अ गुड थिंग, गुड बाइक, फन. देखते इसकी प्रॉपर कैपेबिलिटी मेरा रनिंग पीरियड खत्म हो उसके बाद ट्रिप पे या कैसी कंडीशन के अंदर चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ, कवर करेंगे. सो संडे का शॉर्ट राइड हम लोग करें 80 किलोमीटर के आसपास, तो उसका अच्छा कंटेंट बनाऊंगा. आपके अंदर से आवाज आएगी वाह बंदा अपग्रेड हो गया. मतलब आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट माई क्रिएटिविटी, जो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, जो भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो भी लोग से मैं इंस्पायर हुआ वो सारे एलिमेंट्स मैं ऐड करूँगा. और काफ़ी मेहनत से नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर करके आपको अपलोड करके दिखाऊंगा हाउ वॉज माई शॉर्ट राइड. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट. वी हैड क्रॉस 3800 सब्सक्राइबर मार्क. ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आओ जो. बाय.